तो गाइस कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं साइकिलिंग करते हुए कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में, और साइकिलिंग करना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू। और प्रॉब्लम ये है कि अभी हवाओं का ग्रुप है पॉजिटिव, तो मुझे साइकिलिंग करने में अभी बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। वही अगर मैं फिर वापस से रिटर्न में आऊँगा तो फिर मैं आराम से पहुँच जाऊँगा यहाँ। और जो अभी आसपास देख रहे हैं ये सब पूरा का पूरा फार्म लैंड है, एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरेबल ये सब लैंड है। इसमें अभी जो सीरियल के क्रॉप्स होते हैं वो लगे हुए हैं, और ये सड़कें जा रही है जो एक गांव को जोड़ती है दूसरे गांव से। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा माहौल है, एनवायरनमेंट और लोग भी यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। ये देखिए अपने आम के बागान को बेचारे देख रहे हैं, सो रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली वन वे ही रहता है, जहाँ पे लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। There is a no barricade between the road. तो आपको बहुत सतर्क होकर चलाना पड़ता है गाड़ी। Many things that you have to cover up. और ये घंटी है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई हैव जस्ट बोरोड इट फ्रॉम समवन एल्स, बिकॉज मेरे पास तो नहीं है, मैं बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। तो साइकिलिंग के लिए अभी मैंने किसी से ले लिया है, और फ़िलहाल अभी हम आ गए हैं रेलवे ट्रैक पे और बस अब पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी देर और है मंजिल आने में। तो ये बच्चे ट्रैक पे चलते हुए, काफ़ी मौतें होती हैं अपने इंडिया में, स्टिल मेनी पीपल्स प्रेफर टू वॉक अलोंग विद द रेलवे ट्रैक। काफ़ी हरा भरा माहौल है, तो गाइस फाइनली हम अब पहुंच रहे हैं 1 किलोमीटर के साइकिलिंग करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पे। देन आई विल हैव समथिंग एल्स इन माय बेली बिकॉज आई फील अ लिटिल हंग्री दिस इवनिंग। गाइस अभी साइकिलिंग हमें तेज़ करनी होगी बिकॉज बादल छा गए हैं पूरी तरीके से अब आसमानों में, बस बारिश होने ही वाली है।
तो हमें अब थोड़ा गियर अप करना होगा और बस हमें रिटर्न होना होगा अपने घर की तरफ, बिकॉज जिस पर्पज़ से हम यहाँ आए थे ड्यू टू पेंडेमिक COVID-19 द रेस्टोरेंट्स लोकल हैज़ बीन शट डाउन ड्यू टू COVID-19, सो आई कैन नॉट एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स, बट यस इट्स अ ब्लॉग बेसिकली अबाउट द विलेज लाइफ एंड द विलेज इन लाइफ स्टाइल. सो बेसिकली भारत यही है अपना, जहाँ पे अभी भी 65-70% अभी भी पॉपुलेशन स्टिल एंगेज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स. सो अभी भी अपना भारत यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. देखिए दूर दूर तक कैसे लोग ग्रेजिंग कराते हैं अपने, तो इसे ग्रेजिंग नहीं कह सकते, बट यस ये फार्मर्स हैं, वो अपने बैफेलो के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं. बट यस सो मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर. आप एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि आप विलेज के बारे में जितना आप ज़्यादा करें एक्सप्लोर विलेज लाइफ के बारे में, वो कम है. तो बेसिकली जो विलेज लाइफ में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी देखा हमने, वो बहुत कम है. इट लुक्स लाइक यू नो यूरोपियन कंट्रीज, आई मीन अ कंप्लीट ग्रीन, वेरी फ्यू पीपल. सो जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो डेंसिटी जो पॉपुलेशन के हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं. तो कुल मिला के काफ़ी मज़ेदार माहौल. ट्रैफिक देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, आप चाहे जितना भी स्पीड चलाएं कम है. बट यस यहाँ पे जो वुमेन इंक्रोचमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो अभी बेसिकली जो देख रहे हैं आप, ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और क्योंकि जो गांव की जो पॉपुलेशन है वो तो शहरों में रहती है, और गांव में आपको ज़्यादातर छोटे बच्चे पढ़ने वाले, वो भी बिलो 10th ग्रेड, महिलाएं, यही सब रहते हैं, यही एज ग्रुप के लोग रहते हैं. बाकी जो क्रीम पॉपुलेशन है, जो वाकई किसी इकोनॉमी के लिए काफ़ी हद तक प्रभाव डाल सकते हैं, वो तो शहरों में जा बसते हैं, वो गांव में कम आते हैं, या मेरी तरह आते हैं तो वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगते हैं. गाइस ये अभी जो देख रहे हैं, इससे ये नल का सप्लाई यहीं से है. इस सब देखिए काले बादल छा गए हैं, और मुझे अब घर पहुंचना होगा जल्द से जल्द, ताकि हम भीग ना पाएँ. बट यहाँ का जो जो माहौल है, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं, देयर इज़ नो बाउंडेशन एट ऑल.